मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉग इन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। कुश्ती के शौकीनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, आज से इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रो कुश्ती लीग की शुरुआत हो रही है। ये सबसे पुराना खेल है और अब नए अवतार में दिखेगा। इसमें कुल 6 टीमें होंगी जिसमें दुनिया के कई नामी पहलवान शामिल होंगे। 21 दिनों तक चलने वाली इस लीग में कुल 30 भारतीय पहलवान हैं। आज का मुकाबला दिल्ली वीर और पंजाब मार्शल के खिलाड़ियों के बीच में होगा। इसके बाद कल मुंबई की टीम यूपी वॉरियर्स के साथ भिड़ेगी। इसके बाद शनिवार को हरियाणा की टीम बेंगलुरु से आमने सामने होगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस प्रो लीग में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। योगेश्वर का कहना है कि ये टूर्नामेंट उनको और अन्य भारतीय जो उनके साथी पहलवान हैं उनके लिए काफी मददगार साबित होगा। इससे उन सभी को 2016 रियो ओलंपिक की तैयारियां करने में बहुत आसानी मिलने वाली है। इस खेल में सबसे खास बात यह है कि सभी टीमों में कुल 30 भारतीय पहलवान शामिल हैं। सबसे खास बात तो ये भी है, इसमें से 20 से अधिक ओलंपिक पदक विजेता भी भाग ले रहे हैं इस लीग में। ये कुश्ती लीग दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, लुधियाना, मुंबई, बेंगलोर आदि शहरों में होगी। इसमें 21 दिनों में कुल 18 मुकाबले, 15 लीग मैच, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल होगा। तो आज शाम से तैयार हो जाइए प्रो कुश्ती लीग देखने के लिए। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।